छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन को आतंकवादियों के द्वारा बम से उड़ाने की धमकी के बाद रेलवे प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए आज रेलवे नागपुर मंडल प्रबंधक शोभाना बांधोपाध्याय के डोंगरगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। इसके अलावा अधिकारियों से स्वच्छता पर गंभीरता रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि डोंगरगढ़ एक पर्यटन स्थल के रूप में विश्व मानचित्र पर उल्लेख है और साल में दो बार ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से पर्यटक यहां आते हैं और अपने मन में अच्छा संदेश लेकर जाते हैं। इस प्रकार सफाई और ड्यूटी के दौरान लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। आज यहां पर हम लोगों का आगमन इसलिए हुआ है कि इस समय स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और रेलवे भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस वर्ष हमने प्लास्टिक के कचरे के प्रति जागरूकता और उसके प्रबंधन पर विशेष जोर दिया है। हमने अपने सभी स्टेशन्स पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और हमारी ये कोशिश है कि हम अपने सारे स्टेशन्स को प्लास्टिक से मुक्त कराएं। इस दौरान सबको प्रेरित करने के लिए हमारे मंडल के अधिकारी, स्टाफ और रेल परिवार का हर सदस्य स्वयं श्रमदान कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता उत्पन्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी अभियान के तहत आज मैं यहाँ पर आई हूँ। डोंगरगढ़ हमारे मंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ आप जानते हैं धार्मिक स्थल है। आने वाले दिनों में यहाँ पर मेला लगने वाला है, जिस समय काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ रहेगी, बहुत यात्री आएंगे। हमारा प्रयास है कि हम यात्रियों को सुखद यात्रा दे सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष मेले के दौरान रेलवे कुछ विशेष प्रबंध करती है ताकि जो यात्रियों की भीड़ है उन्हें कम से कम कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। हाँ, इस मामले में तो डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा है कि साफ सुथरा शुरू से रहता है, लेकिन जैसे ये और है जो बीच में घंटे सुरक्षा की दृष्टि से समय समय पर निर्देश आते हैं और विशेष तौर पर जो त्यौहार का सीज़न होता है, मात्र यहाँ नहीं सभी जगह बहुत त्यौहार के सीज़न में ज़्यादा एहतियात रखनी पड़ती है, क्योंकि ये जो आजकल ऐसा है ना, ये धमकी वगैरह देते हैं तो हम लोग तो पूरा, हमारे पास RPF है, उसका जो पूरा RPF बल वो थोड़ा सा सक्रिय हो जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और अदरवाइज़ भी देखिए, जहाँ भीड़ भाड़ होती है तब भी हम लोगों को ये देख रेख करनी पड़ती है। कई बार भीड़ भाड़ में वो स्टैम्पीड हो जाता है या बहुत, तो उस दृष्टि से भी हमारा रेलवे सुरक्षा बल पूरा अपना कार्य करता है मुस्तैदी से ताकि कोई भी असुविधा ना हो। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।